दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईसीआई बैंक से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे। पूरे जानकारी पूरे प्रूफ के साथ दोस्तों इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि आप आईसीआई बैंक से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में ऑनलाइन पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी पूरे सेफ के साथ। तो दोस्तों बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ग्रामीण इलाके के जितने भी बैंक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, इन बैंक में दोस्तों अगर आप खुद से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते होंगे तो किसी न किसी रीजन से आपका पैसा रिफंड या रिटर्न हो जाता होगा और आपके उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे नहीं जा पाता होगा। पर दोस्तों मैं इस वीडियो में जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, बस उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। किसी भी बैंक से दोस्तों आप डायरेक्ट उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे बहुत ही आसानी से भेज पाएंगे। तो इनके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना है। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को नीचे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल या डेस्कटॉप के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों आप जिस भी बैंक से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं, मान लीजिए कि दोस्तों SBI से अगर आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना होगा SBI नेट बैंकिंग, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना होगा ऑनलाइन SBI। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ICICI बैंक से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे कैसे भेजना है ये बताने वाला हूँ। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं ICICI इंटरनेट बैंकिंग। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं तो इस तरह से हमने इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली हमको पहले लिंक पे आपको इस तरह से क्लिक कर लेना है। पहले वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो ICICI बैंक का जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो सिंपली हम दोस्तों यहां से डेस्कटॉप साइट मोड कर लेते हैं। डेस्कटॉप साइट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ डिस्प्ले पे इस तरीके से शो हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पर्सनल लिखा हुआ है और साइड में लिखा हुआ है लॉगिन। तो सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ICICI बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड होगा वो यूजर आईडी आपको इस जगह एंटर करना है। तो दोस्तों अगर आपको जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आते हैं बनाने के लिए या फिर नहीं है तो आप खुद से घर बैठे भी बना सकते हैं। तो उनके लिए आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आप खुद से घर बैठे ICICI बैंक का यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी जो है सो यूजर आईडी और पासवर्ड है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी एंटर कर लेंगे। यहाँ पे यूजर आईडी आपको एंटर करना है। यूजर आईडी एंटर करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है सो पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और उनका लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों मुझे इसमें पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है तो हम यहाँ पे दोस्तों जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर लेंगे। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको फिर से पुनः बताना चाहूँगा, अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप अपने बैंक विजिट करके भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरह से यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर लिया, सिंपली लॉगिन पे इस तरह से क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पूरे ध्यान से समझना है, अगर आप किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग और यूजर आईडी पासवर्ड है और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके से ही शो होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है दोस्तों। तो आपको उनमें क्या ढूंढना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पेमेंट्स एंड ट्रांसफर, ये आपको हर एक बैंक में ढूंढना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बैंक में ये तीसरे नंबर पर लिखा है पेमेंट्स एंड ट्रांसफर। तो सिंपली आपको इस पर इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो एक पॉपअप ओपन हो चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, फंड ट्रांसफर पे इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। फंड ट्रांसफर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। अगर आप पहली बार दोस्तों ICICI बैंक या किसी भी बैंक से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। तो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए दोस्तों देखिए सिंपली आपको ऐड न्यू पे पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले से बेनिफिशियरी ऐड है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों मैं पहली बार जो है इस बैंक से ICICI बैंक से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे भेजेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों हम जैसे बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे। तो सिंपली ऐड न्यू पे पे इस तरह से हम क्लिक कर देंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे बारीकी से समझना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ICICI बैंक के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर आप जो पैसे भेजना चाहते हैं क्या वो ICICI बैंक में भेजना चाहते हैं। तो अगर आप ICICI बैंक में भेजना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा ऐड नो पे।
अगर आप दोस्तों आईसीआई बैंक के अलावा किसी भी बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, या आईडीबीआई बैंक हो, या फिर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अदर बैंक पे, उनके बाद दोस्तों ऐड नाउ, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फॉर्म के रूप में दे दिया जाएगा, तो उन फॉर्म को पूरे बारीकी से भरना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये आपको पूरे बारीकी से समझना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिनके भी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं, तो उनके पासबुक पे जैसा नाम लिखा है दोस्तों, वैसा ही नाम आपको इस जगह एंटर करना है। उनके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पे निक नेम, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सा नाम लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जिससे आपको याद रहे कि ये उस बंदे का है, तो वैसा ही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि उनके पासबुक पे जैसा नाम है वैसा ही लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आपको किस तरीके से याद रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। उनके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अकाउंट टाइप लिखा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस सेविंग पे इस तरह से क्लिक करना है, और जो भी कैटेगरी का उनका अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हालांकि दोस्तों ज़्यादातर सेविंग होते हैं, तो सेविंग पे आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। उनके बाद आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपको पूरे बारीकी से समझना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर, पे अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। उनके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर से आपको उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। उनके बाद दोस्तों उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो आईएफएससी कोड होते हैं, वो कोड आपको इस जगह एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद दोस्तों सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जहाँ भी ब्रांच होगा, उन ब्रांच का यहाँ पे आपका जो नाम आ जाएगा। उनके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आपको यहाँ पे डिटेल शो आ जाता है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पहले से ऑलरेडी जो है सो दोस्तों उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का बेनिफिशियरी ऐड कर रखा हूँ, तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से पैसे ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपली आपको फिर से दोस्तों क्या करना है, पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पर इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने का दोस्तों फंड ट्रांसफ़र पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। फंड ट्रांसफ़र पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने फिर से इस तरह से डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस जगह क्लिक करना है। तो सिंपली हम इस पे इस तरह से क्लिक कर दिए। इस पे हम जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दो बैंक को हमने ऐड कर रखे हैं। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अगर आप जितने भी बेनिफिशियरी ऐड कर रखे होंगे, सबका जो है यहाँ पे आपका नाम और अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए जो है सेंट्रल बैंक का लोगो शो हो रहा है, लेकिन ये जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का अकाउंट नंबर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पे इस तरह से क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका आईसीआई बैंक का अकाउंट नंबर शो हो जाएगा, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कितने रुपए भेजना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको एक रिमार्क दे देना है, यानी कि जो आप पैसे भेज रहे हैं वो किस रीजन से भेज रहे हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप अपने ही खाते से दूसरे खाते में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेल्फ भी लिख सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पे इस तरह से क्लिक करेंगे, और 100 रुपये भेजना चाहते हैं, तो 100 रुपये हम इस तरह से एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इस तरह से सेल्फ लिख देते हैं। सेल्फ लिखने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको जो है 3 ऑप्शन दिया गया है, IMPS, उनके बाद निफ्ट और RTGS। तो दोस्तों मैं यहीं पे देखिए मेन प्रॉब्लम होते हैं, अगर दोस्तों आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, निफ्ट सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों अगर आप IMPS सेलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों देखिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अभी IMPS सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो अगर आप दोस्तों IMPS से भेजेंगे, तो आपका पैसा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में नहीं जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, निफ्ट सेलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, निफ्ट पे इस तरह से क्लिक कर देना है। निफ्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों देखिए पूछा जा रहा है कि 1 टाइम, तो ये सब आपको ऐसे ही क्लिक रहने देना। सिंपली आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आप प्रोसेसिंग लिया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको जो है एक OTP एंटर करना होगा। तो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा गया होगा दोस्तों, तो वो OTP आपको इस जगह एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों ICICI बैंक की तरफ से जो आपको ATM कार्ड या डेबिट कार्ड मिला है, उस कार्ड के पीछे दोस्तों इस तरह से यहाँ पे नंबर दिया रहता है। तो F कॉलम में कितना नंबर है वो आपको यहाँ पे भरना है, J कॉलम में कितना नंबर है वो आपको यहाँ पे भरना है, और P कॉलम में कितना नंबर है वो आपको भरना है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कार्ड के पीछे कुछ इस तरह से नंबर दिया रहता है। तो दोस्तों ये सब भरने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमने इस तरह से OTP एंटर कर दिया। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों कार्ड के पीछे जो सिक्योरिटी कोड है, हमने कोड एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद सबमिट बटन पे इस तरह से क्लिक कर दिए। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो कुछ सेकंड प्रोसेसिंग लिया जा रहा है।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुल कुछ ऊपर में राइट चिन्ह इस तरह से लिखा हुआ आ चुका है, तो आपका पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया आईसीआई बैंक से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईसीआई बैंक का भी लास्ट अंक शो हो रहे हैं और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का भी, और ऊपर जो है योर पेमेंट इज सक्सेसफुल लिखा हुआ रहा है, यानी कि दोस्तों आपका सेफ्टी पूर्वक आईसीआई बैंक से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे जा चुका है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो कुछ भी जानकारी आप लोगों से शेयर की है, वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं।